अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? स्टडी वगैरह कर रहे हैं? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं, मज़ेदार टॉपिक सही है, जिसमें हम खूबसूरत ज़िंदगी जो स्टडी कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी का चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, हम खूबसूरत ज़िंदगी अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे? छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो तमाम बच्चे अपने दोनों हाथ फ्री कर लीजिए, जल्दी से फ्री कर लीजिए। मैंने कर लिए, जल्दी से करिए। वेरी गुड। अब इस तरह से गोल दायरा बनाइए, बना लिया। अब इसको अपनी आँख के करीब लाइए, जैसे मैं ला रहा हूँ। ले आए आँख के करीब। लाने के बाद इस गोल दायरे में से मुझे देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ। देख रहे तमाम बच्चे? अब इसे दूर कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, इसमें से देखते रहिए मुझे। एक आँख बंद कर लीजिए, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, सही है? उसके बाद दोबारा करीब लाइए, दोबारा करीब लाइए, और जैसे मैं ला रहा हूँ, और फिर दोबारा से आँख में से देखिए, फिर दोबारा दूर कीजिए, और दूर कीजिए, इसमें से देखते रहिए मुझे कैसा दिख रहा हूँ मैं। चलें, देखते रहिए देखते रहिए। उसके बाद दोबारा से करीब लाइए लाइए लाइए। लाने के बाद इसे अपनी चिन पे रख लीजिए। आप सब ने चिन पे रखी है, ये चिन है मेरी, ये मेरा क्या है, ब्रेन है ना, तो चिन थोड़ी है। चिन क्या होती है? ये तो आप तमाम बच्चों को वहाँ रखने दी। ये तमाम बच्चे हाजिर रहिए, सही, हाजिर दिमाग रहिए, अपना दिमाग को हाजिर रखिए और उसके साथ साथ काम करिए, ठीक है? तमाम बच्चे अपना दिमाग हाजिर रखेंगे, जो वर्ड बोला जाएगा उसके ऊपर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं मैं इशारा कर रहा हूँ यहाँ का तो हाथ यहाँ रख दिया, नहीं, वर्ड पे गौर करो। चिन क्या होती है? ये होती है, ठीक है? तो आपको पूरा अल्फाजात पे गौर करना है, उसको समझना है, दिमाग को हाजिर रखना है। इस तरह से ला के चिन पे ऐसे नहीं रख देना है, समझ आ गई बात, ठीक है? चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब चलें तमाम बच्चे अपना दिमाग हाजिर रखिएगा, सही है? चलें देखें बुक में पेज नंबर 10, फिंगर रख लें। किसी ज़माने में कुछ लोगों ने बहुत खूबसूरत इमारत तामीर करी, सही है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत तामीरात की गई हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई, ताजमहल हो गया आपका, मीनार पाकिस्तान हो गया, सही है, दीवारें चीन हो गए, चीन की दीवार हो गई, देखिए आपने जी। चले उसमें से कुछ आपके पास नमूने यहाँ पर मौजूद हैं, देखें उन्हें। पेज नंबर 10 पे पहले सफ़ेद संगमरमर याली तस्वीर, जल्दी से। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल भारत के शहर आगरा में वाकिया है। 350 साल पुरानी ये इमारत मुसलमानों के फन तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। प्यारे बच्चों, ये ताजमहल कितने साल पहले बना था आज से? 350 साल पहले। कितने साल पहले? 350 साल पहले। किसने बनवाया था? मुसलमानों ने बनवाया था, ठीक है, मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने बनवाया था और वो मुसलमान थे। नज़र आ रहा है आपको कितना खूबसूरत है जी। इसके बाद उसके बराबर में देखिए एफिल टावर, पेरिस, पेरिस के अंदर एफिल टावर है। प्यारे बच्चों, ये इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जब आप इसकी तरफ ऊपर देखोगे ना, आपका केप अगर पहने हो तो आपका केप ही गिर जाएगा, इतना ऊंचा आपको नज़र ही नहीं आएगा इसका टॉप। और प्यारे बच्चों, एक मज़े की बात और बताऊं एफिल टावर के बारे में, गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जो एफिल टावर है बहुत ऊँचा, आपको इसके ऊपर गुंबद नज़र आ रहा है रखा हुआ, वो जो रखा हुआ है गोल सा जी। जब ये बन रहा था तो इसमें लाखों मजदूरों ने काम किया, किसने काम किया? लाखों मजदूरों ने काम किया, तमाम के तमाम मजदूरों ने इतनी ऊपर जो है वो चढ़ने से, इसको रखने से इनकार कर दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी ऊपर रखा किसने? पाकिस्तान का एक कश्मीरी था, कौन था? कश्मीरी पठान था, कौन था? कश्मीरी पठान था। जब उसको, वो भी वहाँ पे काम करता, तमाम कारीगरों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, मज़दूरों ने मना कर दिया, तो कश्मीरी पठान ने जो है वो हिम्मत करी और कहा कि भाई मैं करूँगा, और वो चढ़ा और मशीन के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद उसने जो है वो ये रखा था, जब ये रखा था, ये लगाया था, तो इसके बदले उसकी पूरी फैमिली को जो है उन्होंने लाखों की तादाद में पैसे दिए थे, और उसकी फैमिली को जो है बहुत ज़्यादा खुशहाली की ज़िंदगी
गुजारने लगी थी। सही है। एफिल टावर है दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो है वो टावर है, पूरी दुनिया का सबसे बुलंद तरीन टावर है, ठीक है, 7 अजायबाद में शुमार किया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, लाहौर की बादशाही मस्जिद ऐसी ही एक खूबसूरत इमारत है, लाहौर की बादशाही मस्जिद, सही है, आपके सामने मौजूद है, नज़र आ रही है आपको कितनी खूबसूरत है। आपको मैंने बनाने के लिए जिंदगी लास्ट पीरियड में मैंने आपको बनाने के लिए दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप इसमें से कोई सी तस्वीर बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलें पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। आज भी बास लोगों ने बहुत खूबसूरत इमारत और बागात तामीर किए हैं। बागात कहते हैं बाग को, बाग कहते हैं जहाँ पर आप दरख्त वगैरह उगाते हो, फलों के दरख वगैरह उगाते हो, सब्जियां अनाज वगैरह उगाते हो, बागात कहलाते हैं, ठीक है। ये खूबसूरत मंजर न्यू फेडरल मस्जिद का है जो मलेशिया के शहर कोलालंपुर